सरसुदन एक नाम, इसलिए मधु। लेकिन जो असली जो मधुबन है, मधु मतलब आप लोगों ने मधु खाए हो, मधु मतलब शहद, मधु मतलब शहद है। इसलिए जहाँ पर बड़ी सुंदर मधुमक्खी की छत्ता वहां पर हुआ करता था, कृष्ण सखाओं को साथ में आकर के मधुमक्खी है मधु छत्ता से मधुपान करते थे, इसलिए इस स्थान का नाम मधु है। लेकिन जो असली मधु क्या है, सचमुच से मधु क्या है, इसलिए पुराण में एक श्लोक आया, बोले साध्वी माध्वी का चिंता न भवती सरकरे कर्कशासी। उस श्लोक कहता है कि इसी जगत में जो मधु चार जगह पर मधु है, कहां पर चार जगह पर मधु व अमृत चार जगह पर। बोले कहां कहां पर, बोले एक समुद्र में भी अमृत है मधु है, क्योंकि देवता दैत्य समुद्र मंथन करके अमृत निकला ना, इसलिए समुद्र में भी कहते मधु है अमृतम। लेकिन हमारे वैष्णव लोग कहते हैं वहां पर भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों, बोले अगर समुद्र में अमृत होता तो समुद्र का पानी इतना खारी क्यों। आप लोगों ने देखे हो समुद्र, कौन कौन समुद्र देखे, पानी बताओ कैसे है, खारी है, खारा है, इसलिए उसका पानी तो मीठा होता। बोले भैया असली अमृत वहां पर नहीं। बोले दूसरा अमृत कहाँ पर मधु, बोले चंद्रमा में। अब देखना दिन भर काम करो, जैसे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, कुछ लोग तो सो गए, कुछ लोग तो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सोना नहीं, कथा में जो सोएगा ना अजगर साफ बनता है कथा में सुना। इसलिए कहते कहते अमृत किसमें, बोले चंद्रमा में। दिन भर सूर्य का किरण जो कितना ताप आपको पता चल रहा है, लेकिन जब रात में चंद्रमा उदय हो देखना, उससे एक अमृत निकलती है। रात भर सो जाओ सबर फिर चुस्ती आ जाती, ताकत आ जाती। बोले क्यों, बोले चंद्रमा में अमृत है। लेकिन हमारे वैष्णव लोग कहते हैं वहां भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों, बोले अगर चंद्रमा में अमृत होता भाई, चंद्रमा तो पूरा पूर्ण चंद्र ही रहता, लेकिन प्रथमा द्वितीय देखना अमावस्या को पूरा के पूरा अंधकार हो जाता है, असली अमृत नहीं। बोले तीसरा मधु कहां पर, बोले बधु, बधु मतलब स्त्रियों की मुखार बिंद में, कहते ये अमृत है मधु है जिसको पति पान करते हैं। लेकिन हमारे वैष्णव लोग कहते हैं भैया वहां पर भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों, बोले अगर वहां असली मधु अमृत होता पति तो अमर ही हो जाता, लेकिन पत्नी से पहले ही पति का राम नाम सत्य हो जाता है, फिर मरता क्यों अमृत पी करके, वो मरता अभी वो मरता नहीं, इसलिए असली अमृत भी वहां नहीं। इसलिए बोले भैया अमृत कहां पर, बोले स्वर्ग में अमृत है। कहते भैया कहते वहां भी असली अमृत नहीं। बोले क्यों, बोले कब तक वो स्वर्ग में रहेगा, जब तक उसका पुण्य खत्म नहीं हो जाता है, पुण्य खत्म होते ही ना फिर यहीं पर गिरता है। भैया अगर वहां समृद्ध ये अगर स्वर्ग में अमृत होता देवता तो अमर ही बने रहते, वो फिर अमर क्यों नहीं बने रहते, फिर मर जाते हैं क्यों। बोले भैया फिर अमृत असली मधु कहां है, बोले भैया असली जो मधु है कृष्ण की भक्ति रस में असली मधु है। इसलिए श्री बल्लभाचार्य का नाम सुने हो, कौन कौन बल्लभाचार्य का नाम सुने, एक वैष्णव जगत में बहुत बड़े साधु हुए, इसलिए उन्होंने एक मधुराष्ट्र का लिखा है। देखो क्या कहते हैं, बोले अधरंग मधुरम वदनंग मधुरम नयनंग मधुरम हसी संग मधुरम कामनांग मधुरम चारी संग मधुरम मधुर अधिपति राखिलंग मधुर। अरे भगवान की बोलना भी मीठा, चलना भी मीठा, उनको हंसना भी मीठा, उनकी हृदय भी मीठा, भगवान पूरा मिठाई मिठाई। रसगुल्ला खाए हो, जिधर खाओ उधर से मिठाई मिठाई। इसलिए कहते जो कृष्ण है ना पूरा मिठाई मिठाई मधुर मधुर। इसलिए भगवान यहाँ पर विशेष करके तीन तरह का मधु यहाँ पर आस्वादन किया, एक सखे रस का, एक बात्सल रस का और एक मधुर रस का। तीन तरह का मधु भगवान यहाँ पर आस्वादन की, सखाओं को साथ में, मैया यशोदा को साथ में और ब्रज गोपियों को साथ में। प्रभु की जो प्रेम रस है, जो भक्ति रस है, असली मधु किस में है, भगवान की भक्ति में। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर सखाओं को साथ में गैया चराया करते थे यहीं पर, है यहीं पर। और जो यहीं पर है, सूरदास का नाम सुने होंगे, सूरदास भी उल्लेख करते हैं, क्या कहते हैं, भले मैया मोरी
मेरा भगी मैं नहीं माखन खायो। देखो एक तरफ में ब्रज गोपियां खड़ी है, इधर मैया यशोदा खड़ी और उधर कृष्ण खड़े हैं। उधर कृष्ण खड़े हैं, इतने में ब्रज गोपियां आकर के मैया यशोदा को शिकायत कर रही है। क्या शिकायत कर रही है? मैया लगता है हमें ये ब्रज छोड़कर तो और किसी गांव में जाना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले तेरे लाला हमारे घर घर में मक्खन चोरी करता है, घर घर में मक्खन चोरी करता है, इसलिए लगता है किसी और किसी गांव में चले जाए। इतने में कृष्ण ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। मैया ने कहा लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन हो जाएगा। बोले क्यों? दुनिया शादी के लिए पागल होते है और तू कहते मेरी शादी नहीं होगी। बोले कैसे शादी होगा बता? पूरा ब्रज में हल्ला हो गया तो घर घर में मक्खन चोरी करते हो, बताओ चोर को कोई छोरी देगी? बता चोर को कोई लड़की देगी? लगता है जिंदगी भर तो कुंवारा है, मर जाओगे। कृष्ण देखा भैया गड़बड़ी हो गई, ये तो गड़बड़ी हो गई। मैया कहते शादी नहीं होगी और शादी के लिए सब पागल है। कृष्ण ने सोचा एक से मैया को मैं एग्जाम्पल दूंगा, मैया को विश्वास हो जाए मैंने मक्खन चोरी नहीं की। इसलिए कृष्ण की जो भजन है ये मैया को एग्जाम्पल देकर समझा रही है, मैया मैंने मक्खन चोरी नहीं की। इसलिए कहते भोर भयो गई अनेको पाछे, कहां पर बताए? मधुवन, यही मधुवन है। बोले तुमने मधुवन में भेज दिया। बोले चार प्रहर बंसी बटे भट्ट को सांच परिहरे आयो, मैया मोरी मैं नहीं। बोले मैया ये बताओ, बोले मैं बालक बही अने को छोटो कानी भी दिखे के पारो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मारे। बोले मैया बताओ, बड़े छीके के ऊपर में मक्खन रखते होंगे ना, इतना मैं छोटा सा बालक, इतने छोटे छोटे हाथ, बताओ मेरे हाथ कैसे वहां पर पहुंचा? बोले जो सखा लोग बोलते हैं तो मक्खन चोरी किया। बोले मैया ये बालक है ना मेरे पीछे बढ़ गए, सब बेरी पड़े हुए और ये बरबस सब मुंह लपेटा जोर करके मेरे मुंह में मक्खन लगा कर मेरे को चोरी बना देते हैं। लेकिन लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर के फेंक दिया था और तू वहां से ला करके मेरे को पालन कर रही हो। अगर मैं तेरे सचमुच से लाला होता है ना तो कभी मेरे को चोर नहीं बोल सकती। इतना बोलते ही मैया का दिल करके पिघल गया। इतने में मैया फिर कन्हैया को गोद में भर लेती। बोले लाला तेने मक्खन नहीं खाए। फिर कृष्ण बदला देते हैं, क्या बोलते हैं? बोले मैया मोरी मैंने ही मां सुना मैया मोरी मैंने ही मां। जो वहां पर सूरदास जो उदाहरण देते ना यही मधुबन है। कृष्ण यही पर सखा को साथ में सखेदा से आस्वादन करते थे और यहाँ पर कृष्ण बात्सल रस भी आस्वाद श्रृंगार रस भी आस्वादन की। ब्रज गोपियां घर में बैठी हुई है, कृष्ण सखा को साथ में गैया चराने के लिए आए, यहीं पर सखा को साथ में गैया चरा रही है। ब्रज गोपियां घर में बैठ करके अपना दिव्य नेत्र से दर्शन कर रही है कृष्ण कैसे सखा को साथ में गैया चराते हैं, जिसका नाम वेणु गीत नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा? वेणु गीत। उसमें कृष्ण कितने सुंदर है, एक श्लोक में कहते हैं, बले बराहपिडम नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रतपाशतनकतपिशयम वैजयन्ति च मालां रन्ध्रान वेणुरधरसुधया पुरयान गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशस्तत गीत कीर्ति। इस लोगों कौन बोल रही है? ब्रज गोपियां राधा रानी बोल रही। बोले क्या? बोले बरहा पीड़म, जिसने अपना सर पर मयूर पंख लगाए। बोले मयूर पंख क्यों लगाए? बोले कारण है मयूर पंख में राधा रानी का नाम लिखा हुआ और ये मयूर ब्रह्मचारी है। कभी राधा रानी मयूर नहीं बनी थी और एक समय कृष्ण बंसुरी बजा रहे थे, एक मयूर का नृत्य करता है आकाश में, जब काला मेघ छा जाए और बादल रड़ शब्द करने लग जाए ना, तभी ये मयूर नृत्य करता है। एक दिन कृष्ण का रंग कैसे है बताओ? कैसे रंग है? काले। उनको शरीर में जो पिता पर कैसे जैसे बिजली चमकती है और जो बंसुरी बजाता ना रड़ शब्द हो रहा है। इतने में मयूर तो पंख खोल करके धीरे धीरे कर नाचना शुरू कर दिया। जैसे देखना कोई नाचता है ना, हम 10-20 रुपया लेकर घुमा घुमा कर देते हैं। अभी मयूर इतना खुश हो गया। बोले क्यों? अरे आज कृष्ण मेरे को नृत्य करवाया। जब कोई नाश्ता खुश होकर नाचता है ना,
बोले भैया उसको तो कुछ देनी चाहिए, बोले क्या दे, मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास में एक चीज मेरे पंख है। इतने में मरुन ने पंख को झाड़ देती है और वो प्रेम का उपहार कृष्ण उठाया और लेकर के अपना सर पर, बोले बरहापीडम बोले नटवरवपुः कर्णयो। इसमें इस श्लोक की बड़ी अद्भुत व्याख्या है, अब एक श्लोक सुन का आधा घंटा लग जाएगी। इसलिए मतलब राधा रानी बड़ी सुंदर कृष्ण की, यहीं पर जब कृष्ण गया चराते थे, राधा रानी अपना दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए, कृष्ण जब सखाओं के साथ में श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके पृथ्वी प्रसन्न हो जाती है। जब कृष्ण बंसी ध्वनि करते थे, राधा रानी कहती अगले जीवन में और राधा ही नहीं बनूंगी, क्या बनकर के आऊंगी, ये बंसुरी बनकर के। बोले क्यों, बोले देखो कृष्ण गोप हम गोपी है, अभी कृष्ण का आधार करते हुए किसका अधिकार हमारी, लेकिन ये बंसुरी था हमारा सौध है, ये था हमें अंगूठा दिखा दिखा कर सारे रस कौन चूस रहा है, ये बंसुरी चूस रही है, अगले जीवन में और राधा नहीं हम तो सिर्फ बंसुरी बन करके आऊंगी। और कृष्ण हमें हर समय क्या करेंगे, हमें अपना पास में रखेंगे। बंसुरी कैसे बजाते हैं मेरे तरफ देखो, जैसे कृष्ण कैसे खड़े होकर बंसुरी बजाते ना, देखो राधा रानी क्या कहती है, देखो कृष्ण बंसुरी को कितने सौभाग्य देते हैं, जैसे किसी राजा महाराजा की जैसे सेवा हो, कृष्ण ऐसे पकड़ते ना बंसुरी को जैसे राजा महाराज डल्लभ गद्दी पर सोता है, कृष्ण अपना अंगुल को भर रखते, कितने कोमल भगवान का अंगुल, फिर जैसे उनके चरण दबाते कृष्ण अंगुल चलाते ना बंसुरी में, बल ये अंगुल नहीं चला रहे उसके चरण की सेवा कर रहे हैं। और जैसे कान में कुंडल, ये कुंडल नहीं जैसे राजा को ऊपर में छत्री धारण करते हैं, आंखों का पलक नहीं ये क्या है जैसे उनको पंखा झुलाते हैं, उनकी पंखा झुलाते हैं, बल्कि उनका जो होठ नहीं जैसे कोई राजा महाराज जैसे किसी तकिया को ऊपर में पिल्लो के ऊपर सर रखकर सो रहे हैं। देखो कृष्ण इसकी कितनी इसकी सेवा करते हैं, इसलिए अगले जीवन में और राधा नहीं, अगले जीवन में क्या बनूंगी, आप क्या बनोगे, बंसुरी बनोगे, इसलिए हम भी बंसुरी जिला राधा रंगत में बंसुरी बनूंगी। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सखा लो कृष्ण की जयकार देते हैं, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय में आनंद नहीं, आपके जय और के है, और तो कोई भी सो रहे थे कि दिखा नहीं।